हेलो सुप्रिया। हेलो मैम, सो नाइस टू सी यू मैम हियर। रियली ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल इट्स गर्ल्स एंड ऑल ऑफ यू। आज आप सबको भी मैं पहली बार देख रही हूँ। एंड ये मतलब अपने इतने प्रीशियस, आई नो यू आर सो बिजी दीज डेज, इतने प्रीशियस टाइम से आपने थोड़ा टाइम हमको दिया। वी आर रियली थैंकफुल टू यू मैम, सो सो मेनी ग्रेटिट्यूड टू यू। इट्स माई प्लेजर, और ये मेरी ड्यूटी है ना, होती नहीं है, नो वर्ड है ही नहीं है। ये आपसे सीखने वाली बात है मैम हमारे लिए भी। सच में वो जो कहते हैं ना, वो एक सॉफ्टवेयर कुछ निकल जाना, वो निकल गया है अंदर से। सो हमेशा जब भी कोई आता है कॉल क्लास के लिए, तो मैं हमेशा शेड्यूल देखती हूँ कि नहीं टाइम हो जाए, मैं उनको दे दूँ टाइम, उनको नहीं ऐसा लगना चाहिए। सो इसलिए मुझे, और ये मेरा अपना घर है, छत्तीसगढ़ मेरा घर है। सो तो मैम, इसलिए एंड हमेशा बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए भी ये आगे के लिए। थैंक यू सो मच। और ये तो सारे मुझे तो ना हनुमान जी लगते हैं, बस इनको इनकी शक्तियां याद करवानी है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो इनको याद करवा दे हम, बस वही ये काफी है इनके लिए। हमारे नहीं है ये कि बार बार नॉक करना पड़े जिसको, इनको एक बार बहुत है। सो आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा इतने दिनों में, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। सो ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा है, अच्छी टीम है। पावनी जी है ना, एक पावनी मैम है ना, वो कहाँ है? मैंने कहा मैं पहले सबको देख लूँ। पावनी जी कहाँ है? पावनी जी हमारे मतलब इसमें टीम में तो पावनी जी नहीं है कोई, अच्छा, आपके बच्चे का नाम बता रहे हैं क्या? नहीं, सुप्रिया जी के साथ है ना, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है एक मैम, वानी 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 वानी। ओके ओके वानी जी है वानी, ना, वानी जी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार श्वेता जी, मैं हूँ वानी। नमस्ते नमस्ते। हाउ आर यू? आई सो हैप्पी एम टू एक्चुअली, सी यू। मी टू थैंक यू। सो इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है कि सारी टीम के साथ हम इंटरेक्शन पहले होना चाहिए। एब्सोल्युटली सो जी, बिल्कुल। हम सो यहाँ पे तीन लोग हैं श्वेता जी, ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ओके। सुप्रिया, वानी एंड हरवीन। नमस्ते श्वेता, मेरी आपसे बात भी हुई है बहुत पहले। या नमस्कार नमस्कार। यस मैम ने मुझे, हमसे बात हुई हुई है आपकी, है ना, हम बात कर या चुके हैं। वेरी नाइस, थैंक यू नाइस टू फॉर सी। कमिंग। हाँ, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। और जिंदगी में हम बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं, और हम टीचिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ध्यान सिखाना मींस अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना, अपने आप को टाइम देना, सबसे बेस्ट मोमेंट है जो हम बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। और ये हम सबका गुड लक है जो हम अपने इस लाइफ टाइम में इस चीज को चूज करके आए हैं। सो इसी तरह से करते रहिएगा, बस पेशियंस बहुत सिखाएंगे ये, बहुत अच्छे से पेशियंस आ जाएगी सबने। थैंक यू थैंक वेरी नाइस। तो स्टार्ट करें माही जी हम। यू। हाँ जी जी बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल स्टार्ट करें। सुप्रिया, हम लोग स्टार्ट कर दें। हाँ, कुछ बच्चे लंच कर रहे हैं, उनको कर लेने दीजिए पहले। यस मैम, स्वरा खाना खा रही है, उसको खाने दीजिए, फिर शुरू करते हाँ हैं। फिनिश कर लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज। और बताइए, आप सबका तब तक एक्सपीरियंस कैसा श्वेता रहा? मैम, तब तक आप अपने बारे में हम लोग को कुछ बताइए ना प्लीज। हाँ जी, मैं 13 ईयर से मेडिटेट कर रही हूँ, 13 साल हो गया मुझे ध्यान करते हुए। और मेडिटेशन मेरे लिए करना ऐसे कि जैसे ना कि जैकपॉट लग जाना, सच में मेरे लिए ये था। और उसके बाद मैंने कभी बैक नहीं देखा, कभी भी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। गुड हेल्थ, हैप्पीनेस, सबसे बड़ी मैंने खुशी पाई। मैं खुश रहना भूल गई थी, मेरी स्माइल चली गई थी, तो वो मैंने वापस पाया। इतना कुछ पाया, नॉलेज, रिलेशनशिप्स, गुड हेल्थ,
सब कुछ, अगर जो भी चीजें आप कहें ना, हम गिन सकते हैं कि मेडिटेशन से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, वो सारी प्राप्तियां मुझे हो चुकी हैं. इसलिए मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सब कुछ मिला. आई हैव एवरीथिंग, आई एम richest वुमन ऑफ दिस वर्ल्ड. और ये लिटिल बुद्धा से है ना, तो मैं इनकी वजह से हूँ. और मैंने 2011 में अपने आप को टर्न करा बच्चों की ओर. और इसकी इसकी इंस्पिरेशन मुझे अपनी बेटी से ही मिली कि बच्चों को भी मेडिटेशन हम करवा सकते हैं. और वो फर्स्ट पार्टनर बनी मेरी मेडिटेशन कर. उस टाइम पे वो सेकंड स्टैंडर्ड में थी और वो अपने आप ही जैसे मेरे साथ मेडिटेशन कर लेती थी और एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ जाती थी वो. तो बहुत जैसे उसकी ईटिंग हैबिट्स में चेंज हो गया, उसके बिहेवियर में, स्टडीज में, सब चीजों में चेंज होना शुरू हो गया. तो मुझे वहां से फिर इंस्पिरेशन आई कि अगर ये कर सकती है फिर कोई भी बच्चा कर सकता है. फिर मैंने अपने घर पे, मेरे सेंटर था 2009 से, मेरे घर पे ही सेंटर था पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का. तो बहुत सारे बच्चे आने लग गए, कॉलोनी के बच्चे. सिर्फ 10 बच्चों को बुलाती थी, मतलब 60-70-80 बच्चे हो जाते थे हमारे पास. फिर हम धीरे धीरे, मतलब बहुत सारे मुझे अवेकंड एक्सपीरियंसेस हुए बच्चों के साथ की, बहुत सारे थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, इवन की बहुत सारे मास्टर्स मैं इन बच्चों में देखती हूँ कि ये अपनी पास्ट लाइफ में क्या थे, अब क्या है. मुझे ऐसी नजर आ जाते हैं ये. और ये भी मैं अपने लाइफ टाइम से एक चीज लेकर आई हूँ. एक्चुअली मैं ही किसी लाइफ टाइम में इन जैसी थी, तो वहीं के जो मेरा ज्ञान था, नॉलेज था. मैं मंक थी एक, और उस टाइम पे मैं, मतलब आई वॉज received so much love at that moment from my monastery. So वही सारा नॉलेज, वही लव वो मैं अभी इन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ. तो मैंने इनको नाम दिया लिटिल बुद्धास एंड मास्टर बुद्धास. अभी तक मैं बहुत हजारों बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ. 10 साल हो गए हैं मुझे ऑलमोस्ट बच्चों को ध्यान सिखाते हुए. अब बहुत सारे बच्चे सेटल्ड भी हो चुके हैं, उनकी अपनी अपनी लाइफ्स हैं, कईयों की शादियां भी हो चुकी हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं. सो मेरी कॉन्टिन्यूटी है इनके साथ, छोटे बच्चों के साथ. और बहुत सारे बच्चों के जीवन में चेंज आया है और बहुत बहुत हाई रैंक पे हैं बच्चे. और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीनेज में अपने आप को हील भी करा है. और छोटे बच्चे ऐसे हैं, क्या बताऊं क्या रिजल्ट्स हैं उनके, उनकी उनकी गाथाएं सुनाऊंगी तो सारा सेशन निकल जाएगा. इतने अचीवमेंट्स, और ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ. तो बस ये चल रही है जिंदगी मेरी. वंडरफुल श्वेता जी, आई थिंक आप बहुत ही आई थिंक ये ज्यादा बड़ा काम है बड़ों को मेडिटेशन सिखाने से. क्योंकि जब आप शुरू से ही बच्चों के बचपन में ही आप उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दोगे, तो आई थिंक दे विल टेक इट थ्रू आउट देयर लाइफ. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल कॉजेज दैट यू आर वर्किंग फॉर. और उससे भी दूसरी चीज, एक और मुझे बहुत अच्छी लगती इस चीज में, कि बच्चों के साथ जब आप रहते हो तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा इंक्रीज रहती है, तो आपको कोई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो वो बहुत अच्छी चीज है कि आप जितना भी बच्चों के साथ सेशन लोगे या बच्चों के आसपास रहोगे, तो आपको ऑलरेडी यू आर हैप्पी, यू डोंट नीड टू मेक एन एफर्ट. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से सिखाते हैं ये सारे हमारे जेन मास्टर्स हैं. हर सेशन से आप सबने सीखा होगा कुछ ना कुछ इनसे. डेफिनेटली उनके हाथों की ना स्टिक नजर नहीं आती है, लेकिन इनके पास स्टिक है. तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं हमें. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर सके अच्छे से. बहुत ही सुंदर टॉपिक हम स्टार्ट करें माही जी, सुप्रिया जी. जरूर जरूर जरूर. सो बच्चों, सबके पास नोटबुक है, नोटबुक और पेन है, पेंसिल, कुछ भी. जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. जो सेकंड स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं, हु आर एबल टू राइट स्पेलिंग्स, डोंट वरी, ओके, जस्ट लिसन इट. उसको सुनना है. जो बच्चे आप लिख सकते हो आप लिख लेना. और अभी क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको जस्ट सुनना है पहले, ठीक है? और पहले हम ध्यान करेंगे 2 मिनट के, उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे. जल्दी जल्दी से आ जाओ अपनी नोटबुक लेकर और एक्टिव बैठेंगे. जो सिबलिंग्स इकट्ठे बैठे हैं, आरव
आराम से बैठो, हाँ दोनों बच्चे आराम से बैठो, ठीक है, वेरी गुड, सिट प्रॉपरली, वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड आराध्य मीरा, वेरी नाइस। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे, ठीक है, कोई भी अपना वीडियो ऑफ नहीं करे, ताकि हम सब एक दूसरे मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ बच्चों श्वेता जी अनम्यूट कर दीजिए, ठीक है, चलो सब तैयार, एक थम्स अप भेज दो मुझे कि ऑल आर रेडी, सब तैयार हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड। चल अभी हम पहले 2 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे ताकि हम आज के टॉपिक के लिए तैयार हो जाए, ओके, और आप एक्टिव हो जाए, अवेयर हो जाए, ताकि जो आज हम सीखने वाले हैं उस इम्पोर्टेंस को हम अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सो एवरीबडी क्लोज योर आईज, लॉक योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स, फील योर ईच एंड एवरी ब्रेथ, वेरी गुड, आंखों को बंद करो, हाथों को लॉक करो, आरफ आंखें बंद, वेरी गुड, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, आंखें अच्छे से बंद रखेंगे, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड विधि, वेरी गुड वृंदा, वेरी नाइस राघविंद्रा सिंह, सब आराम से बैठेंगे, किसी के नीज किसी के साथ टच नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाओ, शाबाश, आप भी थोड़ा सा इधर हो जाओ, वेरी गुड, नाउ क्लोज योर आईज, लॉक योर हैंड्स, लॉक योर हैंड्स, कीप योर हैंड्स इन योर लैप, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, वेरी गुड कनिष्क, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, आंखें बंद रखेंगे, हाथों को लॉक, पैरों को क्रॉस और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे। राघविंद्रा छोटा जाने दे, जाना इसको जाने दो, ठीक है, अगर ये जाना चाहता है इसको जाने दीजिए, ओके, डोंट फोर्स हिम, आंखें बंद रखेंगे, पैर को क्रॉस, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, कैसे श्वास आ रही है और कैसे श्वास जा रही है, हम अपने आप को आज के टॉपिक के लिए तैयार कर रहे हैं। जब हम मेडिटेशन करके कोई भी काम करते हैं हम वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन से कर सकते हैं, मेडिटेशन करने से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है और फिर हम जो भी काम करेंगे पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करेंगे। 1 मिनट मोर, कीप योर आईज क्लोज्ड, डोंट ओपन योर आईज इन बिटवीन, वेरी गुड, जानवी Stop writing, beta. Do meditation first. Okay? Stop writing. Just for the 1 minute, keep your eyes closed. Yes. Inhale and exhale. Inhale and exhale.
वेरी गुड. Thirty seconds. Don't open your eyes. Vivan, close your eyes, Pita. Yes. Very good, Vidhi. Aradhya, very good. Very nice. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and 0. ओपन योर हैंड्स फर्स्ट. हाथों को खोलकर अपनी बंद आंखों पे रखो. दोनों हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलते हुए एक स्माइल के साथ अपने हाथ नीचे ले आओ. वेरी गुड. क्लैपिंग. अरे वाह, बहुत अच्छा ध्यान करा आप सबने. वेरी गुड, वेरी नाइस. ध्यान करना आप सबको बहुत अच्छे से आ गया. Very good. Perfect. Very good. Shabash. तो चलो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक करेंगे. पहले आप उसको सुनोगे आराम से, ठीक है? कुछ भी इधर उधर ध्यान नहीं देंगे हम. अगर आप अभी कुछ खा रहे हो उसको एक तरफ कर दो. अभी हम कुछ नहीं खाएंगे, ठीक? अभी हम सिर्फ जो मैं आपको बता रही हूं आप उसको ध्यान से सुनोगे, ठीक? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना? चल, आज मैं आपको बताऊंगी हमारे पावर हाउसेस. अब आप कहोगे पावर हाउसेस हमारे अंदर? यस, हमारे अंदर पावर हाउस है. अदरवाइज पावर हाउस किसे बोलते हैं? एक इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस होता है. हर सिटी के अंदर, हर एरिया के अंदर एक पावर हाउस होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में सप्लाई होती है. सबने देखा है क्या? थम्स अप भेजो जिन्होंने देखा है. थम्स अप भेजो. वेरी गुड, शाबाश, गुड. उस पावर हाउस से बहुत सारे बड़े बड़े पोल्स होते हैं, वायर्स होती हैं, ग्रिड सिस्टम होता है. उसे बोलते हैं ग्रिड सिस्टम. वो इस तरह से सेटअप होता है कि हमारे घरों तक वायरिंग से इलेक्ट्रिसिटी आती है. अब उस पावर हाउस में लाइट कहां से आती है? उस पावर हाउस में लाइट आती है डैम से. डैम क्या होता है? जो एक किसी रिवर पर बनाया जाता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ओके, तो हमारे अंदर पावर हाउसेस है. अब हमारे अंदर पावर हाउसेस क्या है मैं आपको दिखाती हूं अभी, ठीक है? लेकिन डैम कहां पर है? ये यूनिवर्स डैम है. ये यूनिवर्स सारा डैम है जिसमें कि कॉस्मिक एनर्जी है. जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे यहां से हमारे अंदर आती है और हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है? और हमारे अंदर 7 पावर हाउसेस है. आप देखना चाहोगे वो पावर हाउसेस? दिखाऊं? तैयार हो सब? ठीक है, मैं दिखाती हूं आपको. ये देखो, ये जो आप आसपास इसके
ट्रेंगुलर रेक्टेंगुलर लाइंस देख रहे हो, एक ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर सेवन लाइट्स ऑन है, ये सब पावर हाउसेस है। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारे इन पावर हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना, देखो देख रहे हो ना आप कितने बल्ब ऑन है, कितनी सारी लाइटनिंग है। जिस तरह से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है ना, बल्ब है, ट्यूब्स है, इसे हमारे भी लाइटनिंग है। ये लाइटनिंग किस चीज की है, एनर्जी की। एक पिक्चर में आपको और दिखाती हूं, ये देखो जब हम मेडिटेशन करते हैं इस तरह से हमारे अंदर लाइट्स ऑन हो जाती है। देखो जरा कितनी सुंदर है ये लाइट्स, है ना। और आपको पता है आपके बच्चों की ये लाइट्स हमेशा ऑन होती है, हमेशा, कभी ऑफ नहीं होती। आपके पावर हाउसेस में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती। यस, दीज आर द चक्रास, सेवन हाउसेस, और पावर हाउसेस कैन बी नोन एज चक्रास। वी हैव सेवन चक्रास, सेवन पावर हाउसेस। ओके, अब इन पावर हाउसेस के क्या नाम है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, और इनके क्या क्या कलर है वो भी आपको बताती हूँ। ओके, बहुत आराम से समझना, अगर कुछ रह भी जाएगा डोंट वरी, मैं सब कुछ प्रिया मैम को भेजूंगी, ये सारी स्लाइड्स वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, बड़े आराम से देखना, मैं दिखाती हूँ आपको इन सब पावर हाउसेस का क्या नाम होता है। ये देखो हमारा सबसे पहला पावर हाउस होता है, हम इसको ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे भी मर्जी चाहे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद द रूट चक्रा, सबसे लास्ट चक्रा, जो हमारी, ये हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं बच्चों, ये हमारी एस्ट्रल बॉडी में होते हैं, हमारे अंदर सेवन लेयर्स हैं बॉडी की, ठीक है। तो ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, और ये हमारी स्पाइन में लोकेटेड होते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी पीठ में लोकेटेड होते हैं। सबसे पहला रेड कलर का चक्रा होता है रूट चक्रा, सेकेंड चक्रा होता है सैक्रल चक्रा ऑरेंज कलर का, थर्ड चक्रा होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कि स्टमक में है, और सैक्रल कहां पे होता है, नेवल से नीचे, और सोलर प्लेक्सस स्टमक का एरिया। हार्ट चक्रा, इसके नाम से ही हमें पता है, हार्ट चक्रा ग्रीन कलर। थ्रोट चक्रा, सेंटर ऑफ द थ्रोट, बिल्कुल आपकी नेक के सेंटर में, स्काई ब्लू कलर का। थर्ड आई चक्रा होता है दोनों आईब्रोज के सेंटर में, जिसे थर्ड आई चक्र बोलते हैं, ये पर्पल भी हो सकता है, इंडिगो भी हो सकता है। सबसे ऊपर का चक्रा होता है क्राउन चक्रा जो कि वायलेट कलर का होता है। सो दीज आर द सेवन पावर हाउसेस जो हमें एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। जीवन में जो भी हमें शक्ति चाहिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, गुड हेल्थ के लिए, वो सारी शक्ति हमें इन सेवन चक्रा से मिलती है, इन सेवन पावर हाउसेस से मिलती है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, नंबर वन चक्रा इज रूट चक्रा which is located in lower spine on the tailbone, ठीक है, which is red color. Then sacral chakra, sacral chakra is in our lower abdomen, is in orange color. And then solar plexus chakra is yellow color,
and located in stomach. Heart chakra, like his name, located in chest and green color. Throat chakra, in throat and sky blue color. Third eye chakra, center of the eyebrows and purple or indigo color. Crown chakra is upper or top, violet, or it can be white color. So these are the seven chakras. Okay, ठीक है. और जैसे मैंने आपको सबको बताया, yes, these are the rainbow colors, vib cure colors. Very nice, शाबाश. जो रेनबो के कलर्स होते हैं वही इन चक्रास के कलर होते हैं. ठीक. अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप बच्चों के ये चक्रास हमेशा एक्टिव होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं. आपकी एनर्जी कम हो सकती है या बहुत ज्यादा भी हो सकती है. सो इसलिए आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है. जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप हमारे इन पावर हाउसेस की एनर्जी बैलेंस होती रहती है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, और इस वजह से हमारे इन पावर हाउसेस में एनर्जी या तो नेगेटिव हो जाती है, या ओवर हो जाती है, या उसकी लैकिंग हो जाती है. ठीक है, एनर्जी कम होती है, decreased, lacking, overflowing, तीन चीजें हो सकती है. हमें बैलेंस में चलना है. ठीक है, और इट्स वेरी इजी. मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब हमारी एनर्जी, हम इसको खराब करते हैं या हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं या हम इसको कम कर देते हैं. ये पता होना चाहिए ना. जब हमें पता होगा तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे. क्यों आदित्य? आदित्य आई एम राइट? प्रियांशी, मैं सही कह रही हूं? हमें पता होना चाहिए ना कि हमारे चक्रास में किस कारण से हमारी एनर्जी कम हो जाती है. ठीक है, हम सब आज जानेंगे. सो अभी पहले आप सब देखो, ठीक है, कौन कौन से रीजंस हैं और उसको अपने साथ रेजोनेट करो. ठीक है, कि मेरी कौन सी कारण से मेरी एनर्जी कम हो रही है, किस चक्रा में कम हो रही है. ठीक है, अगर किसी छोटे बच्चे को नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं. ठीक है, डोंट फोर्स. बस आप आराम से सुनोगे तब भी आप एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लोगे. जो बड़े बच्चे हैं, फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में हैं, एट्थ में हैं, फोर्थ वाले, सब समझ जाओगे आप. ओके, जिसको नहीं समझ आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू. ठीक है, ओके. चलो अब मैं आपको बताऊंगी किस चक्रा का क्या साइन है, यानी कि उसकी क्या रिप्रेजेंटेशन है और कौन सी फीलिंग से उसकी एनर्जी कम हो जाती है. तो अभी आप सब अपने आप के साथ इस चीज को रेजोनेट करना. मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगी और डोंट वरी, ये सारी स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएंगी. मैं सुप्रिया मैम को ये सारी स्लाइड्स दूंगी, मैम आपको ग्रुप में दिखाएंगी. ओके, लेकिन अभी आपने अपने आप को इस चीज के साथ एनालाइज करना है. नंबर वन, रूट चक्रा. रूट चक्रा का कलर होता है रेड कलर. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है या इसका साइन क्या होता है? गुड हेल्थ होना और वेल्थ फील कर, अपने आप में अबंडेंस को फील कर. और इसकी एनर्जी कब कम होती है, कौन सी फीलिंग से कम होती है? जब आपको लगता है माय हेल्थ इज नॉट गुड. ठीक है, मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है. और जब आप बार बार कहते हो आई हैव नॉट, मेरे पास वो चीज नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास अच्छा बैग नहीं है, मेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, जब आप ये चीजें बोलते हो, इट मींस आपका रूट चक्र वीक है. अगर आप बार बार बीमार हो जाते हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, टेम्परेचर हो जाता है, वायरल आपको जल्दी जल्दी हो जाता है, इट मींस आपका रूट चक्र वीक है. ओके,
देन सेकंड रूट चक्रा होता है हमारी टेल बोन में, सबसे जो हमारी स्पाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। देन सैक्रल चक्रा, इसका कलर होता है ऑरेंज, और इसका साइन क्या होता है, हमारे इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं, जैसे सैड फील करना, रोना, हंसना, स्माइल करना, करेज फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, ये सब हमारे इमोशंस हैं, मिक्स्ड इमोशंस। और क्रिएटिविटी, जब आप कुछ डिफरेंट करते हो, हटके करते हो, किसी चीज को बहुत अच्छे से करते हो, उसमें क्रिएटिविटी डालते हो, अपना अपनी तरफ से कुछ अच्छा करते हो, तो ये आपकी ये एनर्जी कहाँ से आती है, आपके सैक्रल चक्रा से आती है। आपके इमोशंस आपके सैक्रल चक्रा में रहते हैं और आपकी क्रिएटिविटी भी आपके सैक्रल चक्रा में रहते हैं। अब इसकी एनर्जी कैसे कम होती है, जब आप बात बात पे दुखी हो जाते है ना, आई एम नॉट हैप्पी, जब आप फील करते हो कि मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, तब आप सैक्रल चक्रा की एनर्जी कम हो जाती है। और जब आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे को कोई दूसरा बंदा हेल्प कर दे, मेरे को मम्मा होमवर्क में हेल्प कर दे, मैं कहीं से चीटिंग कर लूं, मैं कहीं से कोई मुझे नोट्स को भेज दे और मैं उसे कॉपी कर, इट मींस आपका सैक्रल चक्रा वीक है। ओके, एक बार आराम से देख लो सारे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे चलूं, मुझे थम्स अप भेज दो। ओके, तो ये हो गए हमारे लास्ट वाले टू चक्र, ठीक है। अब आपको सबको पता चल गया कि किसमें ये चीज है या किसी में ये चीज नहीं है, और ये आपने बताना नहीं है, ये आपके अपने लिए है, हमने आपसे कुछ भी नहीं पूछना है, ठीक है। आपने हमें नहीं बताना है, ठीक है, आपको सिर्फ अपने अंदर फील करना है कि क्या मेरे अंदर ऐसी फीलिंग होती है, क्या मेरे में अंदर ये है, ठीक है, बस। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ, उसके बाद है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जो कि येलो कलर का होता है हमारी स्टमक में। इसका साइन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कॉन्फिडेंस, जब आप हर चीज को कर सकते हो, आपको ये इच्छा होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन इसकी एनर्जी कब कम होती है, जब आप बोलते हो आई हैव लॉट्स ऑफ फियर्स, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे छोटी छोटी बातों से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, टीचर से डर लगता है, प्रिंसिपल, हाँ, किसी एनिमल से डर लगता है। जब आपको कोई भी डर होता है, इट मींस आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। और जब आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई कैन नॉट डू इट, कोई ऐसा होमवर्क है, कोई ऐसा सम है, आप रोना शुरू कर देते हो कि मम्मा मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये नई चीज हो रही, इट मींस आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में उस समय एनर्जी कम हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद है हार्ट चक्रा, सेंटर ऑफ योर चेस्ट, इसका कलर होता है ग्रीन। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका लव रहता है, जो आप लव फील करते हो, कंपैशन फील करते हो, करुणा, फ्रेंडली होना, करुणा को फील करना, ठीक है, ये साइंस होते हैं। अब इसकी एनर्जी कैसे कम होती है, जब आप कहते हो मैम मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ कोई प्यार नहीं करता, नो वन लव्स मी, सब मेरे को मारते हैं, सब मेरे को चढ़ाते हैं, जब आपको ऐसी फीलिंग हो तो समझ लो आपका हार्ट चक्र या माई एनर्जी कम है। और जब आप फील करते हो कि आई हेट यू, जब आप किसी को ये बोलते हो, किसी कजन को, किसी सिबलिंग को, किसी फ्रेंड को, किसी भी चीज के साथ आपको नफरत है, तो इट मींस आपके हार्ट चक्र में एनर्जी कम है। सो दीज आर द साइंस। सो अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि बच्चों ये चीजें बहुत वैल्यूबल हैं,
आपको बार 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 अपने आप, ठीक है, आपका हो जाए मुझे एक थम्स अप भेज दो। ओके नेक्स्ट चक्र, अब है हमारा थ्रोट चक्र, हमारी थ्रोट के या हमारी नेक के बिल्कुल सेंटर में, ये होता है स्काई ब्लू कलर का, और यहां से हमें क्या आता है, क्या साइन है इसका, स्पीकिंग पावर। आप जो भी बोलते हो, जो आपके बोलने की एनर्जी है वो आपके थ्रोट चक्र से आती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब आप फील करते हो कि मैं तो अपनी बात को बोल ही नहीं पाया या मैं समझा ही नहीं पाया, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, कई बार ऐसा होता है, हम मम्मी पापा के सामने कोई बात नहीं बोल पाते हैं, टीचर के सामने कोई बात नहीं बोलते हैं, है ना। और कई बार होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। आपका रोने के लिए दिल कर रहा है, आपका कुछ बताने के लिए दिल कर रहा है, आप बता ही नहीं पा रहे। दैट्स वाई मैंने इसको ब्रैकेट में एक्ट लिखा है, ठीक है। आप वैसा जो करना चाहते हो वैसा नहीं कर पा रहे हो, आपका दिल कर रहा है पढ़ने के लिए, अच्छे से लर्न करने के लिए, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, वो आपके थ्रोट चक्र में लैक है, उसकी एनर्जी कम है। और सेकंड, कब इसकी एनर्जी कम होती है, जब आप झूठ बोलते हो, छोटी छोटी बातों पे जब हम झूठ बोलते हैं तब हमारे थ्रोट चक्र की एनर्जी कम हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ओके, देन थर्ड आई चक्र, सेंटर ऑफ योर आईब्रोज, साइन क्या है, विजडम। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं हमारा विजडम इंप्रूव होता है, जैसे जैसे आप बच्चे बड़े हो रहे हो आपका विजडम इंप्रूव हो रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, ना पढ़ाई का ना लाइफ का, मैं किसी को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि दीदी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, दादू क्या कह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, है ना। और वीक मेमोरी, आप जब चीजों को बार बार भूल जाते हो, आपने लर्न करा लेकिन आपको भूल गया, तो इट मींस आपका थर्ड आई चक्र वीक है इन फीलिंग्स के साथ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो हमारे सिक्स चक्रास कंप्लीट हो गए, लास्ट चक्र क्राउन चक्र। क्राउन चक्र हमारे टॉप ऑफ द हेड में है, वायलेट कलर का होता है, इसका साइन या इसका काम क्या होता है, कनेक्शन विद द कॉस्मिक एनर्जी। हम चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, हर इंसान को कॉस्मिक एनर्जी कहां से आती है, उसके क्राउन चक्र से। और कब हमारी कौन सी फीलिंग से हमारी इसकी एनर्जी कम होती है, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक, जब आप बार बार टायर्ड हो जाते हो, आपको लगता है कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, तो इट मींस आपको क्राउन चक्र से जो एनर्जी है वो कम आ रही है, आपकी यहां से एनर्जी कम है। और जब आप बहुत सोचते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, बार बार चीजों को सोचते रहते हो, किसी ने कुछ कह दिया उसको भुला ही नहीं पा रहे हो, सोच ही जा रहे हो, किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया तब भी सोच रहे हो, किसी मम्मा ने कुछ कह दिया, उस बात को छोड़ नहीं पाते आप, लेट गो नहीं कर पाते, सोचते ही रहते हो, इतने सारे थॉट्स माइंड में रहते हैं, तो इट मींस आपको क्राउन चक्र से जो एनर्जी है वो पूरी तरह से नहीं आ रही है, आपका क्राउन चक्र वीक है। ओके, सो दीज आर द सेवन चक्र, ठीक है। अब आप एक बार सभी क्या करो, अपने दोनों हाथ लेकर अपने अपने इन सेवन चक्रास को टच करो, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकी लोकेशन क्या है।
स्टार्ट विद द रूट चक्रा. आप अपने दोनों हाथ लेकर अपनी बैक लोअर बैक पे लगाओ, दोनों हाथ इस तरह से, ये वाले जो पाम्स है इस तरह से अपनी बैक पर लगाओ. दिस इज योर रूट चक्रा, बिल्कुल नीचे टेल बोन तक जहां से आपकी स्पाइन शुरू होती है, ठीक है, वहां पे लगाओ. विधि लगाया बेटा? विधि आर यू टचिंग? ओके, देन अब थोड़ा सा ऊपर आ जाओ स्पाइन के साथ साथ, लोअर एब्डोमेंट या फ्रंट पे ले आओ, नेवल के नीचे ले आओ, फ्रंट पे ले आओ, दोनों हाथ फ्रंट पे ले आओ, ऐसे फ्रंट पे ले आओ. स्मिथ ब्रिंग योर हैंड्स ऑन योर स्टमक, ऑन योर स्टमक, ब्रिंग योर हैंड्स ऑन योर स्टमक, ऑन योर लोअर एब्डोमेंट. यस, सो दिस इज योर सैक्रल चक्र, ठीक है, टच करो लोअर एब्डोमेंट का हिस्सा, नेवल के नीचे का हिस्सा, ये ऑरेंज कलर का, ठीक है, रेड कलर का था रूट चक्र. ओके, अब नेवल से नीचे ऊपर आओ, स्टमक सोलर प्लेक्सस चक्र येलो कलर, ठीक है, टच करो अच्छे से, फील करो, शाबाश. अब थोड़ा सा और ऊपर हाथ लाओ अपने हार्ट चक्र पे, ग्रीन कलर का हार्ट चक्र, फील करो, वेरी गुड. अब थ्रोट पे थ्रोट चक्र स्काई ब्लू कलर, दबाना नहीं है, थर्ड आई इंडिगो कलर, पर्पल और इंडिगो, एनीथिंग एल्स. क्राउन चक्र टॉप ऑफ द हेड वायलेट, वेरी गुड, शाबाश. किसको एनर्जी फील हुई हाथों से? एनर्जी आई? गुड, वेरी गुड, शाबाश. एक बार अपने आप के लिए क्लैपिंग करो, सभी क्लैपिंग करो, वेरी वेरी गुड. ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट द चक्रास, ठीक है. मैं बोर तो नहीं कर रही हूं? नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे ना? ठीक है, ओके. आप बोर नहीं होने चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए आप, ठीक है, मुझे बता देना जब बोर होगे तो. किसी को पानी भी ना पी लो, ड्रिंक अ सिप ऑफ वॉटर. शाबाश, चल अब हम आगे चलते हैं. अब हम क्या करेंगे, आपको ये पता है सारे पॉइंट्स, ठीक है. अब ऐसे कौन से काम हैं हम करें जिससे कि हमारी ये एनर्जी बैलेंस हो जाए, ठीक है. अभी हमने पहले क्या करा, हमने उन फीलिंग्स के बारे में जाना जिनसे हमारी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है. अब हम उन बातों पर हम ध्यान देंगे, इंटरेस्टिंग बातों पर ध्यान देंगे, जब हम जो ऐसा क्या करें कि हमारे चक्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, वो मैं आपको बताती हूँ. ये भी सभी ध्यान से देख रहा हूं, स्क्रीन शॉट. Excuse me, ma'am. Shweta, ma'am. जी दिखाई नहीं दे रहा है ना आपकी स्क्रीन, स्टिल हो गई है मैम. अच्छा, हाँ जी, मेरा थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो गया था, अब ठीक है ना, मेरा पिक्चर आ रहा है ना? जी. सो अब हम देखेंगे हमें क्या क्या करना है, हाउ टू बैलेंस द एनर्जी इन ऑल चक्रास, ठीक है.
नंबर वन, मैं ये रूट चक्रा से बच्चों शुरू कर रही हूँ, रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए हमें नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब भी हॉलीडेज हो तो ऐसा नहीं कि हमें मॉल जाना है, मूवी देखना है, घर पे सोना है। अभी तो लॉकडाउन है ना, जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो हमें किसी पार्क में जाना चाहिए। जब आपको लगे कि मेरी एनर्जी कम है, मेरे रूट चक्रा में कम है, अदरवाइज आप अपनी रूफ टॉप पे जा सकते हो, गार्डन में बैठ सकते हो, घर के प्लांट्स के पास बैठ सकते हो, प्लांट्स को पानी दे सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके रूट चक्रा की एनर्जी बैलेंस हो जाती है जब हम नेचर में टाइम को स्पेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे सैक्रल चक्रा की एनर्जी कैसे बैलेंस होगी, जब हम हर काम को करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, इसका इसकी फीलिंग क्या है, नेगेटिव फीलिंग, मेरे काम नहीं होगा। जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, हमारे सैक्रल चक्र में एनर्जी वापस आ जाती है। टाइम टू पैशन, जो काम आपको करना अच्छा लगता है वो काम जरूर करो। पेंटिंग है, ड्राइंग है, क्रिकेट खेलना है, चेस खेलना है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप काम जरूर करो। उससे आपका चक्र सैक्रल चक्र कभी भी वीक नहीं होगा, हमेशा बैलेंस्ड रहेगा। और हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र कैसे स्ट्रांग होगा, जब हम वेजिटेरियन फूड और हेल्दी फूड खाएंगे, क्योंकि ये हमारी स्टमक में है, हमारा गट है। इसकी एनर्जी कब कम होती है, जब हम अच्छी तरह से खाना नहीं खाते, जंक फूड्स ज्यादा खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट नहीं लेते हैं, तो हमारी सोलर प्लेक्स की एनर्जी कम हो जाती है। सो इसलिए हमें वेजिटेरियन और हेल्दी फूड लेना चाहिए। नंबर फोर, हार्ट चक्रा की एनर्जी को कैसे हमें बैलेंस करना है, वो हेल्प करके। जैसे आप घर में देखा करो कि क्या मेरी हेल्प की जरूरत किसी को है, मम्मी को मेरी कोई हेल्प चाहिए, पापा को, दादी को, दादू को, या किसी भी फैमिली मेंबर को, क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ, हेल्प दे सकता हूं, तो उनको हेल्प देनी। और डांस करा करो, खूब सारी डांसिंग, रेन आए टप डांस करो, टीवी लगाओ, गाना कर लगाओ, डांस करो खूब, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और अपने थ्रोट चक्रा की एनर्जी को आप कैसे बढ़ाओगे, राइटिंग करके। कई बार क्या करते हैं, जब हम मेडिटेशन करके हटते हैं, कुछ भी लिखो, चाहे अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस लिखो, या जो आपके मन में कोई बात आ रही है उसको लिखना चाहिए, उसके आपके थ्रोट का एक्सप्रेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सिंगिंग करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश करनी चाहिए। जब आपको लगे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, अपने आप को नहीं बता पा रहा हूं, तो उस टाइम पे सिंगिंग करनी चाहिए। और एक चीज और बताऊं जिससे आप इसको और अच्छा कर सकते हो, आपको ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि मैं टीचर हूं, आप अपने आप को पढ़ाओ, जैसे मैम पढ़ाती हैं वैसे ही आप पढ़ाओ। आज मैं जो चीजें आपको सारी बता रही हूं ना, वो सब मम्मी पापा को बताना, आपके थ्रोट चक्रा में एनर्जी आ जाएगी, कभी आपका थ्रोट चक्रा डाउन नहीं होएगा जब आप मेडिटेशन की बात सबको बताओगे, ठीक है। नंबर सिक्स, ये जो है हमारा थर्ड आई चक्रा, इसको हम कैसे स्ट्रांग करेंगे, जब हम माइंडफुल गेम्स खेलेंगे। अब ये नहीं है कि हमें मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, नहीं, जो हमारे घर पर मैनुअल हमारे पास लूडोज हैं, चेस है, बिजनेस गेम है, या कोई भी आपके पास कोई ऐसी माइंडफुल गेम है जो मैनुअल आप कर सकते हो, वो आपने करना है। पजल्स को सॉल्व कर सकते हो, जिंगलिंग वर्ड्स आप खेल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्कूडोस खेल सकते हो, है ना, माइंडफुल गेम्स आपको खेलनी है, लेकिन नो मोबाइल, मोबाइल पे नहीं, ओके। देन क्राउन चक्रा, जब हमें लैक ऑफ एनर्जी रहता है तो हमें एनर्जी कहां से आएगी, मेडिटेशन से। सो ये सेवन एक्ट है, जब हमारी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस चिराग, क्या कहना बेटा, बताओ, चिराग अनम्यूट करो,
बताओ। मैम 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 जो सेवन वाला चक्र था ना, उसका स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिया। ओके कोई बात नहीं, मैं अभी मैम को भेजूंगी, मैम आपको भेज देंगे। ओके डोंट वरी, अभी मिल जाएगा। ठीक है। यस प्रियांशी। मैम मैंने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ओके कोई बात नहीं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिए नहीं लिया कोई बात नहीं, मैं सारे स्क्रीनशॉट्स आपको सेंड करूंगी। ओके मैंने भी नहीं लिया मैम। कोई बात नहीं, आपको पता चल गया ना कहाँ पे आपकी एनर्जी। प्रियांशी स्क्रीनशॉट नहीं लिया। कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता चल गया ना आपकी एनर्जी कहाँ कम है, आपको पता चल गया ना। हाँ पता चल गया ना, बस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि मेरी एनर्जी कहाँ पे काम है। मैं अभी टाइम होगा मैं स्लाइड फिर से दिखा दूंगी, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब मुझे आप ये बताओ, आपको कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट, कोई किसी कुछ नहीं समझ लगा, बताओ बेटे। आवाज नहीं आई ना, आप मुझे दिखाई दे रहे हो। Yes. श्वेता जी विधि को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, उसने हैंड रेज किया। हाँ उसको अनम्यूट करिए जी। मैम मेडिटेशन करने के बाद कुछ लिखने से एनर्जी बढ़ती है क्या? उसकी जो आप मेडिटेशन करके हमें अवेयरनेस आती है ना, जब हम उसके बाद राइटिंग करते हैं, हमारा थ्रोट चक्रा का जो की एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, आपका एक्सप्रेशन बाहर। मैम मैं मेडिटेशन के बाद पोएम्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, इट्स अमेजिंग, वेरी गुड। बल्कि आप देखोगे कि उसके बाद जो आप पोएम लिखोगे वो आप ज्यादा अच्छी लिखोगे। ठीक है विधि, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए बेटा, और किसके पास क्वेश्चन है? माही जी और देखिए किसका हैंड रेस है, अनम्यूट कर दीजिए उनको। विवान अनम्यूट। मैम जी बताइए, क्राउन चक्र का दूसरा कलर क्या होता है? उसका व्हाइट होता, पहले तो उसका वायलेट कलर होता है। हाँ लेकिन उसको हम व्हाइट कलर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार हमें जो कॉस्मिक लाइट नजर आती है जो, वो हमें व्हाइट कलर में भी नजर आती है। ओके और बताओ। जी तन्मय, आभा अनम्यूट करिए। यस मैम, मेरे को पूछना है कि हार्ट चक्र का एनर्जी कैसे बढ़ाते हैं? हार्ट चक्र का एनर्जी, हार्ट का कह रहे हो बेटा, हार्ट का कह रहे हो? हार्ट चक्र, हाँ हार्ट चक्र का हम एनर्जी बढ़ाते हैं दूसरों को हेल्प करके और डांसिंग कर। जब हम डांस करते फील होता ना कि वाओ सब कुछ ओपन अप हो गया, तो इसलिए हार्ट चक्रा को हम ओपन करते हैं दूसरों की हेल्प करके और हम डांसिंग करके। ठीक है जी बताइए। मैम वो पहला बैकग्राउंड दिखाया ना, ब्लू बैकग्राउंड, अब फोटो एक और बार दिखाइए ना, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। अच्छा मैं अभी ब्लू कलर का बैकग्राउंड। ओके मैं दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। ठीक है एक बार सबके क्वेश्चंस ले लिया हम, फिर वो हम ले। और किसी के पास कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो, हैंड रेस करो। माही मैम आपको फिर अनम्यूट कर देंगे।
आई थिंक अभी तो क्वेश्चंस नहीं है. सोनिया अनम्यूट करो. यस मैम. मैम मेरा एक क्वेश्चन था, अगर हमको सेवन चक्रास को हमेशा के लिए मजबूत रखना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू जी. बताइए मैम आप मुझे थर्ड आई चक्र का एक बार और फंक्शन बता सकती हैं? हाँ बता सकती हूँ. थर्ड आई जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे विजडम को, जो हमारी चीजों को सोचने समझने की शक्ति होती है वो हमें थर्ड आई से आती है. हम चीजों को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? थर्ड आई से. ठीक है. ओके मैम. मैम एनर्जी कैसे बढ़ा सकते हैं? इसकी एनर्जी हम बढ़ाते हैं माइंडफुल गेम्स खेलकर और मेडिटेशन करके. ओके मैम. माइंडफुल गेम्स लूडोज खेलो इस तरह से. मैम मैं अपनी फैमिली के साथ रोज रात में सोते समय खेलती हूँ लूडो. वेरी नाइस. चलो ठीक है. मैं अभी आपको एक बार स्लाइड्स दिखा देती हूँ, क्योंकि उस स्लाइड्स के साथ अब हम क्या करेंगे, हम एक चेक लिस्ट बनाएंगे. ठीक है. मैं अभी आपको पहले आप चेक लिस्ट देख लो कैसे बनानी है, फिर उसके बाद मैं आपको पीछे से. अब आपको सबको कॉपी और पेन चाहिए, सब अपने पास कॉपी और पेन लेकर आओ. जी बताइए. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. इन चक्रों को कैसे जागृत करना है? इसको हम ध्यान करके जागृत कर लेते हैं. ठीक है. जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप बच्चों के ऑलरेडी जागृत हैं ये चक्रास, आपके ऑलरेडी बहुत लाइट है आपके पास. आपको सिर्फ अपनी इस लाइट को कम नहीं होने देना है, इस लाइट को हमेशा ऑन होने रहना है. ठीक है. ओके. हाँ ओके. चलो अभी मैं आपको एक चेकलिस्ट दिखाऊंगी कि इस चेकलिस्ट को कैसे बनाना है. ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ. सब तैयार? एक और हैंड रेज है श्वेता जी. हाँ जी बताइए बेटा. वो हटा दिया शायद उसने. प्रियांशी आपको फिर से क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट करिए. मैम नो मैम मुझे क्वेश्चंस नहीं है. अच्छा ओके श्वेता जी प्लीज कैरी ऑन. ये देखो बच्चों, हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे अकॉर्डिंग टू फीलिंग. प्लीज फोटो दिखाइए ना. मैं दिखाती हूँ बेटा, दिखाती हूँ. पहले चेकलिस्ट देखो. अकॉर्डिंग टू फीलिंग्स प्लेस्ड योर चक्रास इन असेंडिंग ऑर्डर वेयर नीड टू मेडिटेट. ठीक है. अभी देखो, ये मैंने सभी चक्रास के नंबर उल्टे सीधे लिखे हैं. आपने देखा, नंबर वन हार्ट पे डाल दिया, नंबर टू सोलर पे डाल दिया, नंबर थ्री क्राउन पे डाल दिया, नंबर तीन चार पे सैक्रल. सबके इनके जो सीक्वेंस है मैंने उससे उल्ट लिखा है. इसको क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने हार्ट चक्रा में जो फीलिंग्स है, मुझे अपने अंदर फीलिंग होती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है. इट मीन्स मुझे अपने हार्ट चक्रा पे के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है. सबसे पहले मुझे इस फीलिंग को कम करना है. मुझे ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है. ठीक है. और इसके लिए मुझे ध्यान करना है. फिर सेकंड कि हमारे अंदर सोलर प्लेक्सिस की फीलिंग होती है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, मेरी कोई हेल्प कर दे आके. ओके. फिर क्राउन चक्रा की कि मैं एनर्जेटिक नहीं हूं. तो देखो ये सारे मैंने इसके जो उल्टे सीधे इसकी सीरीज को कर दिया है. तो आपने भी क्या करना है, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अपनी लिस्ट को बना दो. अभी मैं आपको लिस्ट फिर से दिखाऊंगी, उसके अनुसार आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन कर दो. ठीक है. ओके. एक बार थम्स अप दिखा दो अगर आपको समझ आ गया है, नहीं तो मुझे मैं आपको फिर से समझा दूंगा. जी पहले था क्या बेटा? मतलब थर्ड आई थी तो ऐसे इसको लाइनिंग में लिखना है.
नहीं बेटे नहीं, लाइन में नहीं लिखना, देखो इसको जिगलिंग ऐसे ही लिखना है इसको, यानी कि आप देखो ये तो मैंने एक रफ आइडिया बनाया कि मेरे को ऐसा लगता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, अब आप अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग इसको नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव दोगे, क्योंकि आपको इसको सही सीक्वेंस में लेकर आना है। मैं आपको अभी सीरियल दिखाने वाली हूँ, आप देखो उसके अनुसार इसको वन टू थ्री फोर कर दो, मैं आपको पहले की स्लाइड्स दिखाऊंगी अब, ठीक है, उसके उसके अकॉर्डिंग आप इसकी रैंकिंग कर दो। जो फीलिंग आपके अंदर सबसे ज्यादा है, जो फीलिंग आपको सबसे ज्यादा आपको लगता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं कर रहा है, तो उसको नंबर वन डाल दो। नंबर टू आपको लग रहा है मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, बहुत एनर्जी कम है, तो उसको नंबर टू डाल दो, ठीक है, यानी कि आपका क्राउन चक्रा डाल दो। फिर आपको लगता है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसको नंबर थ्री डाल दो। मैं आपको सारी स्लाइड्स अब फिर से दिखा देती हूँ, आप उसकी रैंकिंग कर दो। ओके, ये देखो अब आप इसमें से रैंकिंग करो अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। ये जो फीलिंग्स हैं क्या आपके अंदर हैं? अगर हैं तो कौन सा रैंक दोगे इसको? वन दोगे, टू दोगे, थ्री देगो, फोर दोगे, फाइव दोगे, सिक्स दोगे, सेवन दोगे, कौन सा नंबर इसको दोगे अगर आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं तो? ठीक है, बस इसको एवरेज लिख लो बेटा, एवरेज लिख लो, एवरेज कोई भी जो नंबर आपके फर्स्ट माइंड में आ रहा है ना उसी नंबर को लिखो, वन टू सेवन में से जो भी नंबर आपके माइंड में आ रहा है उसको लिख लो कि मेरे रूट चक्रा का ये नंबर है, नंबर फाइव पे मेरा रूट चक्रा आ रहा है, नंबर थ्री पे मेरा सैक्र चक्रा आ रहा है, बस जो आपको फीलिंग हो रही है वैसे ही इसको लिख दो। जो सबसे वीक है उसको लास्ट में लिखना है, कैसे बेटा? हाँ, जो सबसे वीक है उसको, नहीं नहीं, जो सबसे स्ट्रांग होगा वो सबसे नीचे आएगा बेटा, जो आपका सबसे स्ट्रांग चक्रा होगा ना वो सबसे लास्ट में आएगा, समझ आई? जो आपका सबसे वीक चक्रा है वो सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे उससे थोड़ा कम वीक, फिर उससे थोड़ा कम वीक, फिर उससे थोड़ा कम वीक, ओके, ऐसे आएगा। अब मैं नेक्स्ट दिखा रही हूं, ये देखो अब सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा, बस आप ये फीलिंग्स देखो क्या क्या आपके अंदर फीलिंग्स है, इसको कौन सा रैंक देना है, फर्स्ट आप वही रैंक। जी दो आइब्रोज के बीच में क्या नंबर है? उसका नंबर है सिक्स। ओके, बेटा जब हो जाए मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। हाँ मेरा हो गया। ओके बेटा, ओके मैम आगे कर रही हूँ। मैम हो गया मेरा भी। मैम नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जिसका रह गया कोई बात नहीं, वो अपने आप हो जाएगा आपका, डोंट वरी। जी बताइए मैम, क्या बोलते हैं, जैसे मैम मुझे बहुत फियर रहता है मैम, जैसे मैम मतलब मुझे बहुत डर लगता है, जैसे मैम मतलब चोरों से, मैम जैसे टेररिस्ट मैम, टेररिस्ट से मैम इसका मतलब मैम मुझे मैम उसका मैम जो हमारा रोबोट चक्र है मैम, सोलर प्लेक्सस नंबर वन, यस मैम, तो मैम नंबर वन सोलर प्लेक्सस, ठीक है। आगे बेटा थ्रोट चक्र आ गया है, फिर थर्ड आई आ गया, फाइव थ्रोट, बेटे म्यूट कर लो, पीछे घर की आवाजें आ रही है, म्यूट कर लो। मैम जी बताइए। मैम आप इसे ग्रुप में सेंड करोगी? हाँ बेटा मैं करूंगी मैम, डन। ओके बेटा, ओके ओके मैम, डन।
ओके बच्चों। ओके सो एनीबडी वांट्स टू शेयर, आपकी फ्री विल है, अगर आप शेयर करना चाहते हो इट्स ऑल अबाउट योर फ्री विल इफ यू वांट टू शेयर। मैम कैन आई? या श्योर मैम। श्योर फर्स्ट मैंने कहा थ्रोट चक्रा मैम बिकॉज मैं ठीक से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती हूँ, एंड मैम मैंने सेकंड में लिखा है रूट चक्रा, थर्ड में लिखा है सोलर चक्रा, एंड फोर्थ में लिखा है क्राउन चक्रा, फिफ्थ में लिखा है थर्ड आई चक्रा, सिक्स में लिखा है हर्ट चक्रा, एंड सेवेंथ में लिखा है सैक्रल चक्रा। यानी कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका सैक्रल चक्रा है। यस मैम। यस मैम। शाबाश। मैंने सबसे पहले थ्रोट चक्रा लिखा है, फिर रूट चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर क्राउन चक्रा, फिर हार्ट चक्रा, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर थर्ड आई चक्रा। इट मीन्स आपकी आपका विजडम बहुत अच्छा है, आपने अपने विजडम को सबसे ज्यादा उसको लास्ट में रखा है, आपका विजडम आपको लगता है परफेक्ट है। यस मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कनिष्क, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और बताओ और किसी को शेयर करना है? आदित्य, चिराग, यस विधि बताओ। मैम मैंने फर्स्ट में सैक्रल चक्रा लिखा है। ओके आपको अपनी क्रिएटिविटी पे और काम करना है। हाँ। थ्रोट चक्रा सेकंड में लिखा है, थर्ड में क्राउन चक्रा लिखा है, फोर्थ में हार्ट चक्रा लिखा है, फिफ्थ में थर्ड आई लिखा है, सिक्स में रूट चक्रा लिखा है, एंड सेवेंथ में सोलर प्लेक्सस। वेरी शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड। कितने इंटेलिजेंट हो आप, हमें तो समझ नहीं आती थी ऐसे बातें, कैसे समझ लेते हो? क्यों सुप्रिया जी, क्या हमें आती थी बातें ये समझ? ए भी नहीं आता था। खुद अभी कंफ्यूज हूँ मैम कि मुझे कौन से चक्र पे काम करना है। ये बच्चों ने कर लिया। हम तो ध्यान करेंगे, हमें तो करना है। ये तो इनके लिए है। यस जी बताइए। चलो अभी हम 2 मिनट्स में आपको और दे रही हूँ, इसको कंप्लीट कर लो फिर हम इसको नेक्स्ट। बेटा आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, आप माइक पे। आई कांट हियर यू, स्पीक लाउडली। माही जी आपको समझ आ रहा है वो क्या बोल रही है? ये आपको बुक दिखा रही है, शी इज शोइंग यू हर बुक। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैम कैन आई शेयर? चिराग। हाँ चिराग बताओ बेटा बताओ। मैंने फर्स्ट पे रखा है थ्रोट चक्रा, सेकंड पे सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड पे क्राउन चक्रा, फोर्थ पे थर्ड आई चक्रा, फिफ्थ पे रूट चक्रा, सिक्स्थ पे हार्ट चक्रा, सेवेंथ पे सक्रल चक्रा। वेरी बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, वेरी। देखो आज आपको पिक्चर क्लियर हो गई है ना, सबको पिक्चर क्लियर हो गई ना, मुझे कहाँ पे अपनी एनर्जी को कम नहीं होने देना, किस कारण से मेरी एनर्जी कम हो रही थी। आपको रीजन समझ आया ना आज, सबको अंडरस्टैंड हो गया ना रीजन? बस अब उस रीजन के लिए आपको अवेयर रहना है कि अगर मैं ऐसा फील करूंगी तो ये चीज हो जाएगी, अगर मैंने ऐसा फील करा मेरे चक्रा से एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपके पास नेचुरल एनर्जी है उसको हमें मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में रखें। ठीक,
तो आप सब बच्चों ने इन बातों पे ध्यान देना है। चलो अब आज हम एक ओवरऑल ट्रीटमेंट करते हैं, हम सब मिलके मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, ताकि आप बच्चों की एनर्जी हमेशा ऐसी रहे। ओके चलो, अब जितनी जिसने जितना जितना लिख लिया कोई बात नहीं, सब स्लाइड्स आपको पहुंच जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आप मेडिटेशन बैठो और मैं आपके लिए बहुत अच्छा म्यूजिक बजाऊंगी, ठीक है, और हम उस म्यूजिक के साथ हम सब मिलकर मेडिटेट करें। सभी आंखें बंद करो। सोनिया, चिराग, वेरी गुड, सब बच्चे आंखें बंद, शाबाश। भाई जी आपने हैंड रेज करा है, आपकी पिक्चर पे हैंड रेज आ रहा है मेरे पास। आई थिंक मुग्धा पर पांडे, मुग्धा पांडे ने किया था। हाँ ठीक है, चलो बच्चों आराम से बैठो, सभी सेटल्ड हो जाओ। जानवी आराम से बैठो। चलो एवरीबडी क्लोज योर आईज, लॉक योर हैंड्स, क्रॉस योर लेग्स। वी विल मेडिटेट फॉर द 15 मिनट्स और आई विल प्ले अ ब्यूटीफुल म्यूजिक फॉर ऑल ऑफ यू। चलो आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, कैसे श्वास आ रही है और कैसे श्वास जा रही है। जो म्यूजिक आज हम आपके लिए प्ले करेंगे, उस म्यूजिक से आपके जो चक्रास के नंबर्स इधर उधर हैं, वो सब सेटल्ड हो जाएंगे। आपकी एनर्जी एकदम से बैलेंस्ड हो जाएगी। अपने कानों से इस एनर्जी को अपने हर चक्रास में फील करो। स्टार्ट विद द रूट चक्रा। अब अपना ध्यान अपने सैक्रल चक्रा पर लेकर जाओ, आपकी लोअर एब्डोमेंट पर। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने सोलर प्लेक्सस पर लेकर जाओ, स्टमक पर, नेवल से ऊपर लेकर जाओ।
आपका ध्यान आपके हार्ट चक्रा पर। आज के बाद आपको कभी ऐसा फीलिंग नहीं होगी कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता या मैं किसी से नफरत करती। हम इस फीलिंग को जाने देते। अब आप अपने थ्रोट चक्रा पे ध्यान दो, नेक के बिल्कुल सेंटर में ध्यान लेकर जाओ। और आज से हम कभी भी ऐसा नहीं फील करेंगे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती और ना ही मैं कभी झूठ बोलूंगी ना ही झूठ बोलूंगी। अपना ध्यान अपनी थर्ड आई पर लेकर जाओ, दोनों आईब्रोज के बीच में, और फील करो कि आप सब अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको आपकी पढ़ाई में सब समझ आ रहा है, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो रही है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो रही है, हर किसी की बात को हर व्यक्ति को अंडरस्टैंड कर सकते। क्राउन चक्रा पर ध्यान दो और फील करो बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत एनर्जी वायलेट कलर की। आपका कनेक्शन डिवाइन या कॉस्मिक एनर्जी के साथ स्ट्रांग हो रहा है, वेरी स्ट्रांग। आपके सारे फालतू के विचार, सारे नेगेटिव थॉट्स सब खत्म हो चुके हैं। आप बैलेंस में। आप क्राउन चक्रा से फिर से थर्ड आई चक्रा पर जाओ, धीरे धीरे आपके थर्ड आई पर इंडिगो ब्लू या पर्पल कलर की लाइट है, धीरे धीरे अपने थ्रोट चक्रा पर जाओ जहां पर स्काई ब्लू कलर की लाइट है, धीरे धीरे
अपने हार्ट चक्रा में जाओ, जहां पर ग्रीन कलर की लाइट है। आपके सभी पावर हाउसेस में बहुत सारी शाइनिंग ब्राइट लाइट है। आप पूरी तरह से एनर्जेटिक फील कर रहे हो। अपने स्टमक की ओर ध्यान दीजिए। हार्ट चक्रा से आपके सोलर प्लेक्सस में बहुत एनर्जी है, आप में बहुत करेज है, बहुत करेजियस, और आप हमेशा सेफ हैं। कोई भी डर आपके अंदर अब नहीं है, सारे डर भाग चुके हैं। और आप जो भी चाहोगे वो काम आप कर सकते हो। आप में इतनी पावर है। हमारी पावर हमारे स्टमक से हमें आती है। अब अपने सैक्रल चक्रा में ऑरेंज कलर की लाइट को फील करो। आप हर काम अपने आप कर सकते हो और आप हमेशा खुश रहते, हमेशा हैप्पी, चीयरफुल, स्माइलिंग, इन ब्लिस। आज के बाद आप कभी उदास नहीं होंगे छोटी छोटी बातों। रूट चक्रा पर रेड कलर फील कर। आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए। जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। फील करो, मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, मोर देन इनफ, आई हैव एवरीथिंग, माय हेल्थ इज परफेक्ट, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। वेरी गुड। इंद्रधनुष के सेवन कलर्स आपके बीच में है। आपकी पूरी बॉडी शाइन कर रही है। वाह, पूरी बॉडी शाइन कर रही, और आपकी शाइनिंग आपकी बॉडी से बाहर होते हुए आपके ऑरा में आ गई। एक रिंग आपकी बॉडी के चारों ओर है विद क्योर कलर्स का। सात रंगों से बना हुआ रिंग के शरीर के चारों ओर है। अब आप अपने सभी चक्रास को थैंक यू बोलो। जब हम अपने सभी चक्रास को थैंक यू बोलते हैं, उनके लिए मेडिटेशन करते हैं, हम
तुम्हारे हमेशा ये चक्र ब्राइट रहते, इनमें हमेशा शाइन रहते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोलो, थैंक यू करते ही हुए दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखो। देखो सारे विप्योर कलर्स आपकी आंखों और आपके हाथों के बीच में है, स्माइल के साथ अपने हाथ नीचे ले आओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड। टेक योर टाइम, जो भी वापस नहीं आए हैं आराम से वापस आ जाओ। शाबाश सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करेंगे, जिन्होंने ऑफ करी है सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच श्वेता जी, अमेजिंग अमेजिंग मेडिटेशन। सिंगिंग बोल के तो हम आपके हमेशा से एक फैन है, सो देयर इज नथिंग टू। और उसके बाद जो देयर इज समथिंग इन द वॉइस एंड ऑफ कोर्स यू हैव एन अमेजिंग एनर्जी। थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू माई जी, थैंक यू सो मच। वाणी जी आपको कैसा लगा? सीरियसली मैं बताऊं तो ऐसे मुझे आज फील हुआ दैट आई एम वन अमंगस्ट देम। और जैसे क्लास वन से कोई शुरू करता है ना, तो मुझे आज एक्चुअली में यही फीलिंग हुई कि आई शुड टेक दैट एनर्जी इन दिस इंटेंशंस ओनली, ब्लैंक होके सरेंडर करके। ब्यूटिफुल सीरियसली, एंड इट वॉज बेनिफिशियल ऑल्सो, बिकॉज आपने जैसे शुरू में एक एक चीज को क्लियर करा, इवन बोथ माई किड्स आर टीनेज वो भी थे, तो जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करा, तो जब मेडिटेशन करा तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच मैम। मैम आपकी वॉइस में तो जो जादू है ना, वो एक मदरली फीलिंग आती है कि आप मेडिटेशन कराते हो तो डूब जाते हैं हम लोग, एंड वाज अमेजिंग। एंड जिस तरह से आपने चक्रास को डिफाइन किया, मतलब इतना सिंपलेस्ट वे तो मैंने भी पहली बार देखा, एंड इतना इजी था वो समझना। एंड अपने ऊपर अब एग्जैक्टली हमको एक एक सेंटेंस मिल रहा है कि हमको कहाँ पे वर्क करना है, किस फीलिंग के साथ करना है। मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई हैव एवर सीन फॉर चक्रास। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर अस इवन। एंड आई गेस आज सारे बच्चे भी मैंने देखा था, दे वेर डीप इनटू द मेडिटेशन। बहुत बहुत मजा आया मैम, आज तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं आंखें खोलूं। थैंक यू सो मच। एंड सिंगिंग बाउल तो आई मतलब आपसे बेटर मैंने किसी का नहीं देखा, इट्स रियली अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू सो मच। मैं सारी स्लाइड्स दूंगी आपको, आपको भेज दूंगी। yes, yes. तो आप बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको रहेगा कि हमारा छूट गया है, क्योंकि बच्चे अब उस चीज पे वर्क करेंगे। हमें सिर्फ इनको, मैंने कहा था ना हनुमान जी है, इनको बताने की जरूरत है बस, ये अपनी शक्तियां अपने आप प्राप्त कर लेंगे। अलीन जी, अलीन जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? थैंक यू सो मच मैम, नो वर्ड्स रियली। मैं भी बच्ची बन गई एंड रियली वेरी ना सिंप्लिसिटी में आपने बताया ना, एंड आपकी आवाज मैंने या माही जी ने जैसे कहा आपके बाउ मेडिटेशन में, तो हम फैन ही है आपके, लेकिन रियली फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना है
एंड रियली जैसे एक प्यारी सी माँ, एक देवी माँ कैसे समझाती है, आज मुझे वही फीलिंग लगा कि कोई देवी माँ हमको समझा रही है. सो बच्चों प्लीज रिमेम्बर दिस नाउ, लवली एनर्जी, कलरफुल एनर्जी, एंड थैंक यू, थैंक यू. रियली मुझे तो सच में बोल रही हूँ, ऐसे लग रहा था कि कोई देवी माँ सामने बैठी है एंड शी स्पीकिंग सो पोलाइटली एंड लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू मैम. थैंक यू सो मच, योर गाइडेंस इज वेरी मच नेसेसरी, इम्पोर्टेंट फॉर अस ऑल्सो एज यू आर फ्रॉम 10 ईयर्स इन दिस जर्नी, लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. थैंक यू, थैंक यू. ऑलवेज ऑलवेज विद यू. कहीं पे भी आपको मेरी हेल्प चाहिए हो, कहीं पर भी, मैं हमेशा साथ. जो भी है, मैं एक्चुअली मैं एक सिंपल चीज आप सबको बताती हूँ, क्योंकि आप सब इस टीचिंग में हैं. सिर्फ बच्चों को अपनी जगह रख लीजिए कि मैं बच्चा हूँ. मैं हमेशा यही सोचती हूँ किसी भी कंसेप्ट को बनाने से पहले, कि अगर मैं बच्चों की जगह पर होती तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी, मुझे क्या जानने की जरूरत. इतना ही हमें समझना. ग्रेट ग्रेट विजडम, ग्रेट विजडम, ग्रेट विजडम. थैंक यू, थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैम दिस कैंप वाज, दिस सेशन वाज ट्रू मैजिकल. जब नाम हमने रखा है मैजिकल कैंप, इट वाज एक्चुअली मैजिकल टुडे. And it's your divinity, ma'am, ki you are so, matlab, so busy and still you are saying that you're always available. Thank you so much, ma'am. Lots of things are there we need to learn from you. Thank you, ma'am. Just no words, a big gratitude. बहुत मेरे को जो आप प्यार दे रहे हो मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है, और मैं हमेशा इसको ऐसे ही संभाल के रखूंगी. और आने वाले टाइम के अंदर जो भी मैं देख रही हूँ कोई पिक्चर ऐसी, अभी मेरी आंखों के सामने कुछ आ रहा है ऐसा फ्यूचर, वो होने वाला है बहुत जल्दी. तो जैसे भी फ्यूचर में होगा, मैं जो भी आपको आपको कहीं पे भी लगेगा कि मेरी हेल्प चाहिए, मैं हूँ. और ये नहीं सोचना है मैं बिजी हूँ. आप मुझे मैसेज भी करेंगी, मैं जैसे मेरे पास समय होगा मैं वैसे ही उसका आंसर करूंगी. कहीं पर भी कोई भी ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि मैं उनसे पूछूंगी तो कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब भी आप मुझसे कुछ पूछेंगी, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी. कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कोई कुछ है जो समझने की जरूरत है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच मैम. कुछ बच्चे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप लेंगे मैम? जी हाँ, लीजिए लीजिए, प्लीज लीजिए. आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ. आदित्य तो हमारा बच्चा वैसा ही मास्टर है. इस बच्चे के चेहरे पे ही मास्टरी है. गुड आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून बेटा. मैम आज मैम आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, मैम मैं तो उठ ही नहीं पा रहा था. मैम सबसे पहले मैम मेरे हैंड्स में वाइब्रेशन शुरू हुई, उसके बाद में मेरी नोज में वाइब्रेशन, फिर मैं मेरी फर्स्ट पैर में वाइब्रेशन, देन सेकंड पैर में, उसके बाद मैं लेग्स में वाइब्रेशन आने लगी, उसके बाद मैंने आंखें खोल लिया. वाह, बहुत सुंदर है दिव्य, वेरी नाइस बेटा. अभी अगर आपको लगेगा ना कि आपको फिर से ध्यान में बैठना है तो बैठ जाना, ठीक है? ओके मैम. किसी भी बच्चे को लगे ना कि अभी मुझे थोड़ी देर और मेडिटेशन में बैठना है, क्योंकि अभी क्या है आपके सभी चक्रास में आज एनर्जी इनहेंस हुई है ना, नई एम्पलीफिकेशन हुई है, तो अभी ये टाइम लेगी. तो अभी अगर आपको लगे कि आपको मेडिटेट करना है तो मेडिटेट करो, पानी पियो और रिलैक्स रहना है, ठीक है? और जो जो बातें आज हमने सीखी हैं उसको हम अभी से फॉलो करेंगे. उन बातों को हम अभी से ही, जब भी आपको लगे, अपनी चेकलिस्ट निकालो और वैसा ही फील करना शुरू करो, ठीक है? शाबाश. और किसी को एक्सपीरियंस? स्वरा, मैम मैं सच कह रही हूँ, मेरे मोबाइल में एक भी गेम नहीं है और मम्मा देखती भी नहीं है और कहती है कि उससे आईज बिगड़ती है. वेरी शाबाश. मैं रात को सोते समय मैं रोज कलर के साथ चक्रा मेडिटेशन करती.
सकती हूँ। मम्मा ने 13 मिनट्स का डाउनलोड किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो मैं और जब भी मेडिटेशन करती हूँ मुझे नींद आ जाती है तो फिर सीधा लेट देती हूँ। वेरी गुड, शाबाश। मैं रोज 1 घंटा म्यूजिक करती हूँ और वीक में 1 दिन गौशाला जाके सारी गायों को हाथ से आती हूँ और बनाना खिलाती हूँ। मदर इज अ मेडिटेटर मैम, वो ज्ञान भारत में मेडिटेट करती है लास्ट 1 ईयर से। समझ आ रहा है उसकी, इतनी अच्छी हैबिट्स उसने अभी से फॉर्म करी हुई है तो समझ आ रही है उसकी बात। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड मैम मैं पिरामिड कैप पहन के करती हूँ। बहुत सुंदर। पिरामिड आपसे एनर्जी ले रहा है? आप पिरामिड से एनर्जी नहीं ले रहे हो, पिरामिड आपसे एनर्जी ले रहा है। थैंक यू मैम, एक आंटी ने गिफ्ट किया था। वाओ, वेरी गुड। मैं रेकी की फर्स्ट डिग्री रेकी की है ना, तो उसमें उन्होंने गिफ्ट किया था। वाओ, वेरी गुड। हश, शी इज इवन अ ग्रेट सिंगर मैम। मैं अपनी बीमारी दवाई से नहीं मेडिटेशन से ठीक करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस। Thank you. Yes, Didi, unmute yourself. Mama, आज first time मैं meditation में इतना deep चले गई। हमेशा मेरी eyes open हो जाती थी जब भी बीच में मैं meditation करती थी, 15 minutes में कर ही नहीं पाती थी। Didi, आप कौन सी क्लास में हो बेटा? कौन सी क्लास में हो? 8। आपके लिए meditation बहुत जरूरी है, आपको meditation miss नहीं करना। ठीक है, रोज पढ़ने से पहले 15 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है। कहीं कोई कॉम्पिटिशनल है, सब बच्चों के लिए, कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, कुछ टेस्ट है, उससे पहले जरूर मेडिटेशन करना है। ओके मैम। अगर अभी बेटा आप बीच में छोड़ दोगे ना, फिर आपकी आंखें नहीं बंद होगी। आज एनर्जी ने काम कर दिया है कि विधि की आंखें बंद हो सकती है। मैम आज मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी, मुझे इतना एनर्जेटिक फील हो रहा था। Very good, very good beta. Shabash. Very good. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Adarsh. Adarsh beta, unmute yourself. Ma'am. Ji. मैं जब meditation कर रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Very good. सब पावर हाउसेस में लाइट आई? सारे पावर हाउसेस में लाइट आई बेटा? यस मैम। गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस। मैंने वो चक्रा, आपने जो चेकलिस्ट दिखाया था उसको लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ बताओ। फर्स्ट में रूट चक्रा, सेकंड में सोलर प्लेक्स, थर्ड में क्राउन चक्रा, फोर्थ में थर्ड आई, फिफ्थ में थ्रोट चक्रा, सिक्स में हार्ट चक्रा, सेवन में स्क्रल।